lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. Felt like heaven, it found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. सारे जितने भी एक्सपीरियंस है वो मेरे खुद के, तो अपने पर्सनल लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस फील्ड में है, काम में है, कहाँ ट्रैवल किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा, जितना भी है सब मेरा खुद का ही है, तो उसके बारे में ये सारे स्टोरीज बना रहा हूँ। आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में काफ़ी काम किए होंगे, जो भी इस वीडियोस को देख रहे, चाहे वो मर्चेंट नेवी हो, अरे एक प्लेटफॉर्म हो, कोई गल्फ जॉब्स हो, या फिर कोई भी इंडिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब्स हो, ऑफिस में जॉब्स हो, आप सबका अपना अपना लाइफ होगा। तो उसी तरह ये लाइफ भी मेरा अपना पर्सनल है, जितने भी मैंने एक्सप्लोर की है उसके सारे वीडियोज मैं बना रहा हूँ। ये मुझे काफ़ी साल पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पाया कुछ अलग अलग रीजंस की वजह से, या तो वर्क कुछ ऐसा था कि हमें टाइम मिलता नहीं था, या फिर कुछ गैजेट्स नहीं था, या फिर पता नहीं था करना क्या। पहली बार जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तो मुझे रिमेम्बर है 2012 में जब मैं स्टडीज कर रहा था बिगिनिंग में मर्चेंट नेवी का, उस टाइम में मैंने इसे एक कुछ अपलोड तो किया था, लेकिन प्राइवेसी ये सब वगैरह इन सब चीज़ों के कारण मैंने उसे डिलीट किया। वहाँ से अगर जर्नी स्टार्ट करता तो काफ़ी कुछ व्यूज मेरे पास आ जाते। मैंने गूगल में देखा, गूगल में 2008 या 9 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जब मैंने याहू चैट के बाद फिर गूगल अकाउंट खोला था, तो उस टाइम से लेके अब तक काफ़ी ऐसे वीडियोस या फोटेज जॉब के रिलेटेड है वो उसके अंदर ऑटोमेटिकल सेव हो गए। या फिर शिप में क्या होता, इंटरनेट नहीं था तो काफ़ी फोटेज वगैरह के कभी कभी फॉर्मेट हो जाता था, मोबाइल स्टक हो जाता था कहीं लोकेशंस पे, तो मोबाइल अलाउड नहीं था। तो उस रीज़न की वजह से मुझे काफ़ी जो मेमोरीज है ऐसे ऐसे घटित, मतलब इतना भयानक, एडवेंचरस, खौफनाक भी मैं कह सकता हूँ, लाइक डेथ को सामने से भी देखा है, इतने सारे एक्सप्लोर किया है कि उस सारे वीडियोस फोटेज थे मेरे पास, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्री में वो फॉर्मेट हो जाता है, फिर वो बैकअप नहीं रहता है, कहीं जगह पे अलाउड नहीं है, आप वीडियो शूटिंग नहीं कर सकते। और उस टाइम पे वगैरह क्या, स्टार्टिंग टाइम में वाईफाई जो फैसिलिटी था वो बहुत कम था, तो मोबाइल में नेटवर्क होते नहीं थे, या फिर मोबाइल नहीं होता था, ऐसे कई कई रीजंस हैं। तो ये जितने भी वीडियोस मैं अभी बना रहा हूँ, अभी बहुत कुछ है, 2012 से लेके 2017 तक मर्चेंट नेवी का सारे के सारे जितने भी वीडियोस या फुटेज या एक्सपीरियंस वो आएगा। और 2017 के मिड में मैंने गल्फ में माइग्रेट हुआ था, मतलब ऑफशोर फील्ड मर्चेंट नेवी फील्ड छोड़ के मैं गल्फ में गया, वो मेरे पर्सनल रीज़न की वजह से। वो लाइफ अच्छा था, लेकिन कुछ और रीज़न ऐसा हो गया कि मुझे उसे छोड़ना पड़ा। तो अभी जो वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगा वो सीधा म्यांमार का ब्लॉग है, जो मुझे 2-3 महीना शिप में काम करने के बाद पहली बार रेस्ट मिला, रेस्ट होने के बाद बोर्ड से वापस प्लेटफॉर्म में आया। अब प्लेटफॉर्म में और मैं 2-3 महीने काम कर रहा हूँ, उस दौरान बहुत बहुत हार्ड था प्रोजेक्ट, थोड़ा स्पीडअप पकड़ लिया, काम थोड़ा और स्ट्रांग हो गया, कम से कम टाइम में ख़त्म करना था, लास्ट में कुछ 15-20 दिन बचे थे, तो वहाँ मेंटेनेंस करना था और मटेरियल शिफ्टिंग, फिर लोकेशन चेंज करना, बहुत कुछ एडिशनल काम और मिल गए थे कि हम लोगों को एक ही टाइम पे 2 लोकेशन में काम करना था। लाइक नाइट में पूरा काम किया, तो कभी कभी बीच में क्या है, 12-15 घंटा आप काम करने के बाद अगर आप दिन में सो रहे हो तो हमारा कोई ना कोई इंचार्ज आता है, हमें उठाते हैं, लेके जाते हैं कि भाई ये काम है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उस टाइम पे मुझे एक बात पता चला, जो सैलरी था वो बेसिक था, आप कितना भी कर लो फिक्स था। लाइक एग्जाम्पल 50,000 है तो उतना ही मिलने वाला है, चाहे 15 घंटा करो या 20 घंटा करो या 24 घंटा करो, लेकिन ओवर टाइम जो फैसिलिटी था वो लेबर वगैरह कैटेगरी में होता है, लेकिन वो भी फिक्स है। तो मैं क्या करता था कि मैं जितना भी एक्स्ट्रा काम करता था वो एक डायरी में नोट करता था, ताकि वो मैं मैच करता था।
जब मंथ एंड हो गया, मैंने एक किसी और का कंपेयर करके देखा कि भाई मेरा तो ये फिक्स सैलरी है और मैंने एडिशनल आवर्स किए, क्या मुझे उसके एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। और वही ऑपोजिट मेरे एक साथ में एक और बंदा था जिसने एडिशनल काम कभी किया ही नहीं, कंटिन्यू जो वर्क ड्यूटी आवर है बस वही किया। हम दोनों का जब मैंने कार्ड मैच किया तो इक्वल है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब मैं अपने सुपीरियर के पास गया, मैंने बोला इसमें ऐसा क्यों, मैंने इतना गजब मजदूरी किया, मुझे इतना ही मिला और उसको भी सेम उतना ही मिला। फिर उसने कहा कि भाई तुम कितना भी करो, तुमने कितना भी हार्डवर्क किया, कितना भी, यहाँ पर एक फिक्स है कि एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो इतना सबको दिया जाएगा, इससे आगे हम आपको नहीं दे सकते। मैंने कहा कि मैं तो इससे भी ज़्यादा मैंने काम किया, ये मेरे पास रिकॉर्ड है। बोला भाई कुछ भी कर लो, अलाउड नहीं है, मैनेजमेंट का ये डिसीजन है। तब मैं बाद में समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर सब गेम चल रहा है, क्योंकि ये कंपनी जो मैनेजमेंट था वो इंडियन था। यूरोपियन में एक तो ओवर टाइम होता नहीं है, जो आपका 12 घंटे शिफ्ट है उतना शिफ्ट में काम करना, ये सब मैं प्लेटफॉर्म्स एक ऑफशोर फील्ड में बोल रहा हूँ, शिपिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पर काफ़ी टाइम में काम करना पड़ा था। एडिशनल जो है वो लाइक कुछ बोनस वगैरह मिल गया, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिल गया, अच्छा हाई पैकेज सैलरी होता है। यूरोपियन कंट्रीज और यूएस कंट्री मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर शिपिंग फील्ड में। इंडियन फील्ड में क्या होता है, ड्रामेबाज बहुत है, हर जगह करप्शन है, साला वेंचर कितना भी काम कर लो कोई फर्क पड़ता नहीं है। सब समझ जाओ, बाकी मेरे मुंह से तो निकल रहा है गाली, लेकिन बोलने का मन नहीं कर रहा, बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये सिस्टम था। तो अभी मैंने 3 महीने रेस्ट होने के बाद 2-3 महीने और काम किया। अब इस बीच में क्या होता है कि हम लोग एक नाइट का एक हादसा मैं बताता हूँ। शिप जो हमारा प्लेटफॉर्म था, जहाज हमें उस प्लेटफॉर्म में ड्रॉप करता है बाय क्रेन। क्रेन का मैंने काफ़ी वीडियोस और फोटेज, जैसे मैन लिफ्टिंग, बास्केट लिफ्टिंग कहते हैं, उसका मैंने वीडियोस काफ़ी बना चुका हूँ। तो उस वीडियोस को जब मैन लिफ्टिंग का टाइम आया तो हम लोग लगभग आई थिंक रिमेंबर 6 से 7 के बीच में हम लोगों को उठाया, प्लेटफॉर्म में डाला, हमने काम किया काम किया काम किया, रात के 8 बज गए। अब 8 बज गए, हमारा ऑलमोस्ट जॉब खत्म हो रहा है और दूसरा टीम आएगा काम करने के लिए, लेकिन जो शिप है वो आ ही नहीं रहा। और जो हमारा सुपीरियर था उस टाइम में, जो इंचार्ज था, वो गर्म हो गया, एम्प्लॉयज गर्म हो गए। क्यों, रीज़न क्या? रीज़न ये था कि सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद ना लंच मिला, ऑलमोस्ट डिनर का टाइम हो गया वो भी नहीं मिला, और वहाँ पर कुछ क्या होता है पानी पीने वगैरह के लिए थोड़ा बहुत सामान था वो भी नहीं था। उस एक दिन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ वेव्स या फिर कभी कभी क्या होता है कि समुंदर में हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि कोई शिप पास में नहीं आता, वो एक रीज़न था, और टाइमिंग वगैरह मैच नहीं होता, वो एक रीज़न था। वेदर रिपोर्ट ये था कि आपको उस प्लेटफॉर्म में काम नहीं कर रहे, विंड काफ़ी ख़राब है, कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन में कोई भी एस्केप करने के लिए या फिर कोई भी इमरजेंसी सोल्यूशन नहीं है, ये एक रीज़न था। तो ये बात में रात के 8 बजे जो मैं इंचार्ज था उसे ये पता चलता है कि भाई इतना सारा ड्रामा था, फिर भी जबरदस्ती एक 20-25 एम्प्लॉयज को यहाँ पर फंसा के रखा हुआ है, और काम आप निकालने के चक्कर में कुछ भी करो, क्योंकि आज काम करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन जब प्रॉपर उसका ना हो, कुछ आगे और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो बहुत दिक्कत होता है। तो काफ़ी भड़क गया वो जो इंचार्ज था, वो मैनेजर के साथ उसका फाइटिंग हो गया। फिर ऑलमोस्ट हम लोग 10-10:30 के आसपास वापस हमारे जो रूम है, जहाज है, जो अकोमोडेशन है, प्लेटफॉर्म से निकल के वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि वहाँ प्लेटफॉर्म और जहाज का एक डिफरेंस डिस्टेंस है। बाय शिप अगर एक से एक दूसरे शिप में आप कैरी करके जा रहे हो किसी भी इंसान को या फिर कोई मटेरियल को, तो उसे घूम फिर के आना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर वहाँ पहुँचे, फिर नहाए धोए, लगभग 11:30 बज गए। 11:30 बज गए, अभी हमें सुबह 5 बजे फिर उठना है। ऊपर से जो क्लाइमेट वो काफ़ी ख़राब है, नींद आने वाला है नहीं, पूरा शरीर थका हुआ काम कर करके। फिर जो इंचार्ज था उसका मैनेजर के साथ बकबक हो गया, बहुत लंबा फाइट चला। फिर डिसीजन ये हुआ कि वो छोड़ के जाने का नौबत आ गया। मैनेजर वो भी मुझे ठीक ठाक नहीं लगा, क्योंकि वो सिचुएशन में जिस इंचार्ज जो था उसने वो एम्प्लॉयज के हक में बोला, और जो मैनेजर था उसे क्या कि कम से कम टाइम में काम निकलना है, बस उसे कंपनी का चिंता था, ये इशू था। तो खाना वाना खाने के बाद हम लोग सो गए, मैं भी सो गए, और काफ़ी बॉडी थका हुआ, बहुत रगड़ रगड़ के काम किया। अब सुबह 5 बजे फिर उठना है, फिर जाना है। तो ऐसा कुछ दिन और चला। अब बहुत भयानक क्लाइमेट आ रहा है, काफ़ी घटिया क्लाइमेट। तो उसका मैं एक वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि कैसे हमारा जो एक्सपीरियंस था कि भाई अगर शिप के अंदर कभी भी क्लाइमेट चेंज होता है तो आपको क्या ऐसे रूल्स है या फिर क्या ऐसी चीज़ें जिसे आपको फॉलो करना है अगर आप लोग काम कर रहे हो। तो अगर एक प्लेटफॉर्म में अगर आप काम नहीं कर रहे, वेसल शिप में हो, तो आपको एक्सपीरियंस और हो जाएगा। स्टार्टिंग में जो भी लोग नया रहता है ना, तो थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन लाइफ से टकराना वाला गेम है ये शिपिंग का गेम। तो मैं इसका वीडियो बाद में बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लंबा वीडियो नहीं करना।
तो अब यहीं बंद कर रहा हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन बाय एंड टेक केयर.